आज आप सब जमा हुए हैं डॉक्टर भीम सिंह को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए। डॉक्टर भीम सिंह नेक आदमी था और शरीफ आदमी था, और उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो हर एक के लिए अपने दरवाजे उसने खुले रखे थे। उसने कभी न मजहब का फर्क किया, न किस जबान से बोलने वाला है, किस जगह का है, बल्कि यही देखता था कि उसका दर्द जो है उसके दर्द को वो कम कर सके। एक महा सेकुलर लीडर हमसे जुदा हो गया। मैं इसकी क्या क्या कुर्बानियां आपके सामने पेश करूं, इतनी हैं कि बयान करते करते आप थक जाएंगे सुनते सुनते। आज इस दिन पे आप सब उसके चाहने वाले जमा हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसकी जिंदगी को हर वक्त याद रखेंगे, उसकी कुर्बानियों को हर वक्त याद रखेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि जिस रास्ते पे वो चल रहा था कि हम सब उसी रास्ते पे चलते इस दुनिया से चले जाएं। मेरी तरफ से, मैं इसके परिवार से, सब दोस्तों से इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला मालिक जो सबका है वो इसकी आत्मा को शांति देगा, और आप हम सबको इसका सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत देगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत आदाब। आज आप सब जमा हुए हैं डॉक्टर भीम सिंह को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए। डॉक्टर भीम सिंह नेक आदमी था और शरीफ आदमी था, और उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो हर एक के लिए अपने दरवाजे उसने खुले रखे थे। उसने कभी न मजहब का फर्क किया, न किस जबान से बोलने वाला है, किस जगह का है, बल्कि यही देखता था कि उसका दर्द जो है उसके दर्द को वो कम कर सके। एक महा सेकुलर लीडर हमसे जुदा हो गया। मैं इसकी क्या क्या कुर्बानियां आपके सामने पेश करूं, इतनी हैं कि बयान करते करते आप थक जाएंगे सुनते सुनते। आज इस दिन पे आप सब उसके चाहने वाले जमा हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसकी जिंदगी को हर वक्त याद रखेंगे, उसकी कुर्बानियों को हर वक्त याद रखेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि जिस रास्ते पे वो चल रहा था कि हम सब उसी रास्ते पे चलते इस दुनिया से चले जाएं। मेरी तरफ से, मैं इसके परिवार से, सब दोस्तों से इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला मालिक जो सबका है वो इसकी आत्मा को शांति देगा, और आप हम सबको इसका सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत देगा। आप सबको मेरा बहुत बहुत आदाब।